हेलो स्टूडेंट फॉर क्लास 12 फिरोज का होम कमिंग लेसन जिसका रिवीजन हो रहा था देखिए और कल आपने इसको पढ़ा था द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर पहले सीन का ड्रामा समाप्त हो गया। इसके आगे पथिक विफ्ट हिज फेस पथिक ने अपना चेहरा पहुंचा क्योंकि क्यों पहुंचा क्या हुआ था माखन ने उसको बरसाए थे लात खून से नोचा था चेहरा उसका बिगाड़ दिया और फिर रोते रोते घर भी चला गया था। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं तो चला गया वो पथिक ने अपना चेहरा साफ किया। पथिक विप्ड हिज फेस एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए सन्केन बार्ज ऑन द रिवर बैंक नदी के किनारे पर एक नाव खड़ी थी उसकी किनारे पर बैठ गया। एंड बिगेन टू चीव ए पीस ऑफ ग्रास और एक तिनका थोड़ा मुंह में डाल के चबाने लगा जैसे आप लोग कहीं पेन चबाने लगते हैं ये हम चबा रहे तो इसी प्रकार वो तिनका चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग उसी समय एक नाव आई क्योंकि नदी का किनारा था नाव चलती थी वहाँ पर इसलिए एक नाव आई किनारे पर। एंड अ मिडिल एज्ड मैन और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति विद ग्रे हेयर सफ़ेद बाल वाला एंड डार्क मॉस्टेज घनी बड़ी ऊँछों वाला स्टेप्ड ऑन शोर किनारे पर उतरा नाव से उतरा। ही सा द बॉय सिटिंग द डूइंग नथिंग दे आर डूइंग नथिंग उसने देखा यही लड़का कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पूछना था कुछ तो उसने देखा ये लड़का कुछ नहीं कर रहा है। एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा वेयर द चक्रवर्ती इज लिव्ड चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। पथिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास पथिक ने जैसे सुने ही ना हो वह अपना वो तिनका जो चबा रहा था चबा एंड सेड और ऐसे ही कह दिया ओवर देयर उस व्यक्ति ने भी पूछा था कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं इसने भी कह दिया वहाँ रहते हैं जैसा जवाब कृष्ण वैसे ही जवाब तुमने कह दिया वहाँ रहते हैं जैसे तुम लोग क्लास में बैठे बैठे कहते हो वहाँ रहते हैं अब वहाँ इस तरफ को निशान कर दिया हमने कहाँ रहते हैं वहाँ तो ऐसे ही उसने भी कह दिया वहाँ रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड ये कहना कठिन था कि किस तरफ को इशारा किया उसने द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन उस अपरिचित व्यक्ति ने फिर उससे पूछा फिर द्वारा ही स्विंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार एंड सेड अपने पैर हिलाते हुए जैसे आप लोग बेंच में बैठे बैठे कहीं डेस्क हिला रही कहीं बेंच हिला रही कहीं पैर हिला रही पैर हिलाते हुए उसने ऐसे कह दिया गो एंड फाइंड आउट वहाँ कहाँ रहते जाओ पता लगाओ कहाँ रहते हैं हम बांधेगा इस तरीके से उसने कह दिया। अरे हमें क्या पता कहाँ रहते जाओ मुड़ो पता लगाओ। एंड कंटिन्यू टू चीव द ग्रास एज बिफोर और जो दिन का मुँह में डाले था जो चबा रहा था चबाता रहा। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन उसी समय एक नौकर आया घर से फ्रॉम द हाउस घर से एंड टोल्ड पथिक हिज मदर वांटेड हिम पथिक से कहा माँ ने बुलाया चलो। पथिक जानता था ये सभी होने वाला है क्योंकि माखन पहुँच जाता रोते रोते माखन ने यहाँ पीट भी लिया रोते रोते पहुँच भी गया अक्सर विजय छोटे की ही होती है भले ही फिर बाद में बड़ा उसको माँ ने पीटे कुछ नहीं। पथिक रिफ्यूज टू मूव पथिक ने कहा नहीं जाऊँगा नौकर ही तो था नौकर आया था उन्होंने कहा पथिक से चलो माने बुलाया पथिक ने कह दिया नहीं जाऊँगा उन्होंने सोचा नौकर ही है
लेकिन उस नौकर को तो पूरा मालिक बना के भेजा गया था, पूरी शक्ति। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेशन। इस समय तो वो नौकर मालिक बन के आया था। ही टुक पतेक अब रफली, उसने पतेक को पकड़ा गर्दन से, एंड कैरीड हिम किकिंग, मारते हुए, फुटबॉल बनाते हुए किकिंग, एंड स्ट्रगलिंग, और घसीटते हुए इन इम्पोर्टेंट रेज, अरे मारते घसीटते हुए ले गया, क्योंकि माँ ने आदेश दिया था कि ना आए तो उसको मारते हुए घसीटते हुए लाना था। अब नौकर को मिल जाए आदेश तो फिर माँ ने थोड़ा कहा होगा, वो ढंग से उधेड़ते हुए ले गया। वैन पथिक केम इन टू द हाउस, और जब पथिक घर में आया, हिज मदर साहिब, उसकी माँ ने उसे देखा, शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, गुस्से से चिल्ला करके बोली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, फिर तुमने माखन को मारा। अक्सर माताएं अपने छोटे बच्चे का ही पक्ष लेती हैं, ये भी पक्षपात करती हैं। पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, पथिक ने बड़े ऐसे ही यानी आवारा तरीके से उत्तर दे दिया, नो आई हैव नॉट, मैंने नहीं मारा। वो टोली हुई दैट, किसने कहा तुम्हें सुल्तान से कि मैंने मारा। हिज मदर शाउटेड, डोंट टेल लाइज, यू हैव, डोंट मत बोलो, तुम्हें मारा। माँ चिल्ला पड़ी। पथिक सैड सडनली, आई टेल यू आई हैव नॉट, पथिक ने कहा मैंने कह दिया ना, आई हैव नॉट, मैंने नहीं मारा। यू आस्क माखन, तो माखन से ही पूछ लो, ये ले, ये ने गड़बड़ कर दी, कह दिया माखन से पूछ लो, माखन तो चला बैठा ही था। अब माखन ही से पूछ रहे हो तो माखन तो जाती था कि आप पिटाई कोई जाए इसकी ढंग से। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। माखन ने सोचा अच्छा मौका मिल गया, आज तक के सभी हिसाब किताब का बदला लेने का मौका है। ई सेट, उसने कहा यस मदर, हाँ माम, इसी ने मारा, कह दिया उसको, हाँ, जबकि झूठ बोलिया। पथिक ने नहीं मारा था उसे, मारा तो माखन ही नहीं था, रोते रोते चला गया था, लेकिन यहाँ कह दिया हाँ माखन ने मारा, मुझे पथिक नहीं मारा, पथिक डिड हिट मी, पथिक नहीं तो मुझे मारा। पथिक से पेशेंस बाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, अब उसे पथिक को और गुस्सा आ गई, पहले तो गुस्सा था ही वो, ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, अब वह अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सका। ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विथ बिलो, पकड़ा उसने माखन को, अब बिलो माने उनके कान के नीचे दे दिमाग, हैमर्ड हथौड़ा चला दिया, हैमर्ड माने हथौड़ा, हथौड़ा चला दिए यानी घूसा, घूसा बरसा दिए, टेक दैट, ये ले, ही कैरीड चिल्लाया, एंड दैट, ये ले, एंड दैट, ये कौन मारा, ये लो, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए, झूठ बोला था ना, ये ले, ये झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन से साइड इन ए मोमेंट, माँ ने पथिक और माखन को अलग अलग किया, पुल्ड पथिक अवे, बीटिंग हिम, पीट रहा था पथिक उसे, उसे अलग किया विथ हर हैंड, अपने हाथ से, वैन पथिक पुश्ड हर साइड, और पथिक ने अपनी माँ को भी धक्का दे दिया, गिरा दिया, गुस्सा था, गुस्सा आराम होती है, इसलिए जब बहुत गुस्से में कोई हो तो सावधानी से काम लेना चाहिए, भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी गुस्से में आप को बैठते हैं और ना चाहते हुए भी चोट लग सकती है। इसलिए पथिक नहीं चाहता था माँ को गिराना, लेकिन गुस्सा तो था, धकेल दिया माँ को, कभी गिर गई अलग। वाट यू लिटिल बिलियन, माँ चिल्ला पड़ी, ये दुष्ट लड़के, वुड यू हेट योर ऑन मदर, तुम अपनी माँ को मारा तुमने। इट वॉज जस्ट एट द क्रिटिकल जंक्चर, इस समय ये युद्ध चल ही रहा था, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव, उसी समय वह सफ़ेद बाल वाला व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति आ गया वहीं, जैसे जैसे पथिक ने कहा था जाओ ढूंढो कहाँ रहते चक्रवर्ती, और वो उसका मामा था,
उसे क्या पता था कि ये मेरा मामू आ गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर बाद, आकर के पूछा ये क्या चल रहा है, ये तो चल रहा था वहाँ पर मारा झपटी मची हुई थी। आकर के पूछा अरे ये क्या चल रहा है, पते की लुक सीपेस एंड असेंड, पते ने उसे देखा चुपचाप और सहम गया, शर्मा गया। अब आप पता होता कि तुमने इससे थोड़ा उल्टा सीधा बोला था, मुझे कहीं माँ से चढ़ना कह दे। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, ये लेकिन उसकी माँ पीछे गई, पीछे हटी यानी उसको मारने के लिए पकड़ने के लिए जा रही थी, छोड़ पीछे हट गई। एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस व्यक्ति की तरफ देखा। हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, उसका जो क्रोध था अब वो आश्चर्य में बदल गया। अरे अरे फॉर द रिकॉग्नाइज हर ब्रदर, अपने भाई को पहचान करके सी क्राइड हो चला, भाई दादा, अरे दादा, भाई को दादा कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर भी कुछ लोग दादा कह देते हैं। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, अरे आप कहाँ से आए, आप कैसे आ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्योंकि बहुत बरसों के बाद आया। ऐसी सेड दीज वर्ड, जब उसने ये शब्द कहा, दादा, सी बोट टू द ग्राउंड, वह नीचे को झुकी। एंड टच द हिज फीट, और उसके पैर छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर, उसका भाई चला गया था सून आफ्टर सी हैड मैरिड, जैसे ही उसकी शादी हुई थी, शादी के तुरंत बाद वो चला गया कहाँ। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, उसने बॉम्बे में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, यानी शादी के तुरंत बाद वह बॉम्बे चला गया था और वहाँ पर उसने अपना धंधा शुरू कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, और जो बॉम्बे में था उसके बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। विशंबर हैड नॉट कम बैक टू कलकत्ता, उसके भाई का नाम विशंबर था, विशंबर कलकत्ता नहीं लौटा था। एंड हैड वन मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, अपने बहन के, अब वह कलकत्ता वापस लौटा था और बहन के बारे में पूछताछ की अपने घर में जाकर के, तो पता चला ही हैड देन हैस्टन टू सी हर, तो तुरंत ही अपनी बहन से मिलने के लिए चला आया। एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर सी वाज, जैसे ही उसे पता चला कि वह कहाँ है, इस हालत में है, वह तुरंत ही उससे मिलने के लिए चला आया। ये आपका यहाँ तक आपके कल याद, और इसके आगे फिर कल पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।